हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पटवारी फिटनेस। मेरा नाम है रीटा और आज मैं लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए, स्पेशली क्यों बोलूं, बोथ द लड़कियां लड़कियों के लिए। टाइटल थंबनेल आपने पढ़ी लिया होगा तभी आप इस वीडियो में आए हो। बाल झड़ रहे हैं, बाल घरे नहीं है, बहुत ज्यादा पतले हैं, पतले होते 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 सिर्फ इतने से बच गए हैं कि इतनी सी चोटी होती है। इट साउंड्स फनी बट अजीब लगता है सुनने में कि इतनी सी चोटी रह गई है, पर मुझे पता है आजकल पॉल्यूशन, खान पान अच्छा ना होने के कारण डेली लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता बहुत सारे लोगों का। क्योंकि बाल झड़ने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि आप केयर नहीं करते बालों की, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते होंगे, आप बालों की केयर अच्छे से नहीं करते होंगे, बाहर धूल पोल्यूशन में ऐसे ही चले जाते होंगे, कपड़ा बांधना ज़रूरी होता है सिर पे, राइट, नींद पूरी नहीं लेते होंगे, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और कई लोगों का तो थोड़ा जीन्स का भी होता है। बट फिर भी आज के वीडियो में आपको मैं ऐसी चीज़ एक बताने वाली हूँ जिसको आपने नहाने से पहले, आपको ये, अगर आप हफ्ते में तीन बार बाल नहाते हैं तो तीन बार, हफ्ते में दो बार बाल नहाते हैं तो दो बार, एक बार नहाते हैं तो एक बार, जितनी बार आप बाल नहाते हैं उतनी बार आपको ये रेमेडी करनी है, ठीक है। हफ्ते में तीन बार तो करनी ही करनी है, दो से तीन बार इज कंपल्सरी। और आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर, एक महीना भी इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बोलते हैं ना रेमेडीज, जो नेचुरल रेमेडीज होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बाहर से ये संभाल ले लो वो संभाल ले लो, जो नेचुरल रेमेडीज होती है ना वो अपना रिजल्ट दिखाने में कुछ टाइम तो लेती है ना। क्यों कहते हैं कि आयुर्वेदा से रिजल्ट या नेचुरल रेमेडी से रिजल्ट स्लो मिलता है लेकिन लंबा चलता है, कोई टेम्परली चीज नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगी, बेनिफिट ही बेनिफिट होंगे। तो ये रेमेडी भी कुछ ऐसी होने वाली है। ये रेमेडी बहुत सिंपल सोबर सी होगी जिसको आपको यूज करना है हफ्ते में दो से तीन बार, जैसे मैंने कहा। और जो आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा पतले होते जा रहे हैं, झड़ते हुए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या डैंड्रफ है सिर के ऊपर, इन तीन चार समस्याओं का समाधान कर देगा। सिर्फ एक चीज बचती है कि जो बालों के कई बार सफेद हो रहे होते हैं उस चीज में इफेक्टिव नहीं है, अदरवाइज झड़ना बालों का, पतला होना, लंबा ना हो पाना, ये तो, या डैंड्रफ आपके सिर में, इन चीजों से तो आपको छुटकारा दिलाएगा ही। तभी तो डायलॉग रखा नहाने से पहले ये एक रेमेडी एंड आपके बाल हो जाएंगे हैप्पी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो जो हम रेमेडी बनाने वाले हैं इसके लिए आपको जो चीजें चाहिए मैं बता देती हूँ, तरीका प्रॉपर रेमेडी बताती हूँ। उससे पहले एक और चीज बताती हूँ कि सी मेरे बाल, ये मेरे बाल देखिए, सॉरी, आपको किस एंगल से आप कह सकते हैं कि घने हैं कि नहीं है, आपको पूरी क्लिक भी दिखा दूंगी। ये मेरे बाल हैं, अब इसलिए मत बोलना कि छोटे हैं, पुरानी वीडियोस में आपको लंबे भी दिख जाएंगे, मैं लंबे बाल टैकल नहीं कर पा रही थी तो मैंने कटवा लिए, वेरी सिंपल। अदरवाइज मेरे बाल घने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई जेनेटिकली बहुत ज्यादा घने बाल मिले हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई विरासत में मिले हैं। मैं बहुत ज्यादा केयर तो नहीं करती, थोड़ी बहुत केयर करती हूँ। और हाँ, एक और मिथ होता है ना कि जो लोग जिम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा देखा कि बॉडी बिल्डर के बाल ही नहीं होते, नहीं है देखा होगा ना कि बहुत पतले होते हैं या होते ही नहीं है। मैं भी तो 4-5 सालों से हूँ, प्रोटीन भी खाती हूँ, हर चीज खाती हूँ, मेरे बाल तो बिल्कुल सही है। पता है क्यों है? क्योंकि ये मिथ है, वो और रीजन होते हैं जिनसे बॉडी बिल्डर वगैरह के जो बाल हैं वो झड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत तो लड़कियों पे भी इफेक्ट पड़ता है, पर मैं इसलिए बच जाती हूँ, मैं देखो मैं चेहरे चूहरे पे तो इतना ध्यान नहीं देती, पर बालों के थोड़ा बहुत ध्यान देती हूँ। हफ्ते में इनको एक नेचुरल ट्रीटमेंट जरूर दे देती हूँ, चाहे वो जैसे मैंने कहा था प्याज का रस हो, जो पुरानी मैंने डिस्क्रिप्शन में देख लेना, अगर आप नए आए इस वीडियो पे, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाली थी ग्रो करने के लिए बालों को, तो उसको भी देख सकते हो, या मैं वो रेमेडी अपना लेती हूँ, या एक जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक और है, अगर आप आपकी कमेंट्स आएंगे कि आपको वो रेमेडी भी जाननी है तो वो भी शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपने करना ये है, आप ले लीजिए 5 या 6 चम्मच मेथी के दाने। अब सी मेरे बाल इतने हैं तो मेरे लिए 6-7 चम्मच इजीली लग जाते हैं। 6-7 चम्मच, एक कटोरी ली, 6-7 चम्मच मेथी के दाने लिए, ऊपर से उस कटोरी को, जैसे मेथी के दाने सपोज करो 6-7 लिए, तो आप उसमें 1/2 गिलास पानी डाल दो, इतना की पानी डालना है कि वो मतलब अच्छे से भीग जाए और फूलने लायक जगह भी बच जाए। तो मतलब 1/2 गिलास पानी डाल दिया, 7 की चम्मच डाल दिया आपने मेथी के दाने, रात भर वैसे ही भिगो के रख देना है। सुबह उठेंगे, वो जो आपका मेथी दाना और पानी है उसको डालना है मिक्सी में, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम यूज करेंगे वो है कास्टर ऑयल, मतलब अरंडी का तेल। कास्टर ऑयल कंपल्सरी है। लोग बोलेंगे कास्टर ऑयल नहीं है, बहुत सस्ता है मार्केट से, 50-60 रुपए की बॉटल मिलती है। और आपको कितना करना है यूज, मात्र 1/2 चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है वो 1/2 चम्मच यूज करना है, छोटा चम्मच है तो पूरा चम्मच डाल दीजिए मिक्सी में ही, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो होने वाला है हमारा दही।
ठीक है। उसके बाद उसमें डाल देना है 4-5 चम्मच दही, और उसके बाद लेट करनी है बंद, और मिक्सी में अच्छे से घुमा के गाढ़ा सा पेस्ट तैयार करके आपने रख लेना है। अब ये रख दिया साइड में, सपोज करें, अब मैं आपको बताती हूँ बेनिफिट। मेथी बालों को, वैसे तो कहते हैं ना, काला लंबा मोटा घना करने के लिए वरदान है वो बॉडी जो मेथी है, उसको खाने के भी एम्पल बेनिफिट्स हैं और लगाने के भी एम्पल बेनिफिट है। हेयर ग्रो में हेल्प करती है, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करती है, दही बालों को प्रोटीन देता है, शाइनियर स्मूदर बनाता है, अगेन हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है, कास्टर ऑयल आपके बालों की ग्रोथ को डबल ट्रिपल करने में हेल्प करता है, ठीक है, सूथ करता है आपकी स्कैल्प को। तो ये तीन चीजों का मिक्सचर आपने रख लिया, रखा था मैंने यहाँ पे, अभी उठाया, नहाने जाने वाले हो ना, अपने बालों में अपनी स्कैल्प पे लगा दिया, पूरी स्कैल्प पे लगा दिया, थोड़ा बहुत बच जाए तो जो आपकी लेंथ है लेंथ पे लगा दिया, 5-7 मिनट मसाज की, और जिसको कहते हैं आधा की घंटा, 30-40 मिनट अगर टाइम है तो 40 की मिनट रहने दीजिए ऐसे ही, चाहे धूप में बैठना है अंदर कमरे में बैठना है 40 की मिनट के लिए रहने दीजिए। 40 मिनट में जो उसका जितनी अच्छी गुडनेस है इस हमारे पैक की, वो आपके बालों के अंदर चली जाएगी। उसके बाद किसी अच्छे शैम्पू, आई अगेन से माइल्ड शैम्पू से बाल धोने हैं। हाँ, जब मैं ये कहती हूँ कि माइल्ड शैम्पू तो लोग बोलते हैं कि मैम कौन सा, साफ साफ सुन लीजिए कौन सा शैम्पू, कोई भी शैम्पू जो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री हो। जब आप शैम्पू खरीदते हो तो शैम्पू के बॉटल के पीछे लिखा होता है ना ये चीजें डली, एग्जांपल दे रही हूँ, तो वहां पे देखना क्या ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है, अगर हाँ तो आपके बालों के लिए माइल्ड शैम्पू है। उसके बाद कर लिया आपने 40 मिनट बाद बाल धो दिए, शैम्पू कर लिया, एंड यू आर गुड टू गो। जैसे मैंने कहा, हफ्ते में 2 बार धोते हो बाल, 2 बार लगाइए, 3 बार धोते हो 3 बार लगाइए, और आपको 3-4 एप्लीकेशन में ही जो अपने बाल है उनके झड़ने में, डेंड्रफ में, और ग्रोथ में तो आपको महीना के बाद लगेगा पता, बट झड़ने में और घने होने में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा, डैंड्रफ चला जाएगा, बाल घने होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे मैंने कहा अगर 6-7 एप्लीकेशन लगा ली तो बाल लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे। तो इतनी सी थी ये होम रेमेडी, और अगेन एक रेमेडी आपके साथ शेयर की है, आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, दूसरी रेमेडी ये है, और तीसरी रेमेडी भी जानना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं वो भी लेके आऊंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मच लव।